तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो आइए देखते हैं क्या आपको मालूम ही है कि विज्ञापन संख्या 5/2022 मुख्य सेविका परीक्षा जो है के अंतर्गत बाल विकास सेवा पोष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के विज्ञापित 2693 पदों का चयन के लिए पीईटी 2021 के स्कोर के वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइजेशन स्कोर में शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड न करते हुए उपलब्धता की सीमा पर 45,857 महिला अभ्यर्थियों की सूची परिणाम को आयोग के निर्णय दिनांक 16/8/2023 द्वारा मुख्य परीक्षा के प्रतिभागी के अनुमोदित किया गया था। तो मुख्य सेविका पद के लिए केवल महिलाओं हेतु आरक्षित है, परंतु 993 अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन करते समय जेंडर के कॉलम में पुरुष की सूचना अंकित करते हुए, मतलब क्या था कि जो फॉर्म भरा गया वहाँ पे मेल की जगह मतलब कॉलम में पुरुष की सूचना अंकित करते हुए फीमेल की जगह मेल हो गया आवेदन किया गया था, अतः उनकी सूचना इतने इतने कंप्यूटर अनुभाग 2022-16/2023 तक 45,857 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 993 ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंदर ऑनलाइन आवेदन के समय जेंडर कॉलम में पुरुष की सूचना अंकित की गई थी को दिनांक 28/2023 और 29/8/2023 को स्वयं महिला होने के संबंध में शपथ पत्र के साथ अपने दावे की पुष्टि संबंधी अभिलेख साक्ष्य प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र फोटो पहचान एवं आधार कार्ड सहित कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किया गया था ताकि उनके दावे के मतलब जांच के बाद उनको अभ्यर्थन के संबंध में निर्णय लिया जा सके। साथ ही संबंधी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया था कि उक्त तिथियों में उपस्थिति न होने अथवा महिला होने संबंधी शपथ पत्र या अभिलेख साक्ष्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थियों का क्या होगा, अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रतिभागी करने का अनुमति नहीं दी जाएगी। तो क्या हुआ कि निर्धारित तिथि के अतिरिक्त अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो क्या हुआ कि 16/2023 को 993 अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित 4 अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थिति हुई तथा उनके प्रस्तुत अभिलेख प्रमाण पत्र आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के प्रतिभाग के लिए अनुमति प्रदान की गई। ये है वो 4 आयोग की आवश्यक सूचना 16/2023 के अंतर्गत 993 अभ्यर्थियों की सूचना में 935 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो ये एक अपडेट थी जो मुझे लगा आपको बताया जा सके।